शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज़ को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के मरीज। इस बीच सुप्रिया ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए राहगीरों को जूस का वितरण किया गया, साथ ही इसे फ्रेंचाइजी ने MIDC की परिवहन शाखा और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को जूस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। के फ्रेंचाइजी हैं सुप्रिया ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से हम जो है ये कुछ हमारा जूस का प्रोडक्ट है जो हम हमारा मेरा नाम प्रभात है, प्रभात पंत। तो सुप्रिया ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड के डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से हम ये जूस इस समय में जो कुछ लोग सड़क पर चल रहे हैं या परेशान हैं उनकी सेवा के हितार्थ MIDC पुलिस स्टेशन में वाहतुक शाखा में देने के लिए लाए हैं। इस समय कंपनी का प्रोडक्शन भी काफ़ी कम हो गया है जिस वजह से हमारी सेल वेल पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। तो जो भी हमारा माल है हम कोशिश कर रहे हैं जो भी सेवा की जा सके किसी की वो करने की कोशिश करें। माननीय संजय जाधव जी सर के मिले हम इस बाबत और इनका जो स्टाफ था और जो ये सेवा कर रहे हैं मानवता की सेवा में जो भी लोगों की मदद कर रहे हैं तो उसके लिए हम इनके बहुत आभारी हैं। और इनके स्टाफ के लिए भी हमने ये जूस की जो है माल लाके रखा है। MIDC परिवहन शाखा के निरीक्षक संजय जाधव ने सुप्रिया ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड और उनके कामों की तारीफ की है और सेवा के लिए धन्यवाद कहा। आज रोजी जे कोरोनाचा प्रभाव सर्व संपूर्ण जगभर चालू आहे आणि भारतात पण त्याचा प्रभाव आहे। भारत बऱ्यापैकी कोरोनाशी युद्ध करताना बऱ्यापैकी अनुभवी सिद्ध झालेला आहे। तरी ज्या ज्या आस्थापना आहेत, ज्या ज्या जे जे लोक त्यामध्ये मदत करण्यासाठी पुढे येत आहेत त्यापैकी सुपिरियर डिंक ही प्रभात पंत त्यांचे मॅनेजर आहेत, ते आज आमच्याकडे आलेले आहेत आणि त्यांनी सांगितलं की आमच्यातर्फे त्या कंपनी कोकोकोला कंपनीने ज्यूस जो तयार केलेला आहे, ॲपलचा ज्यूस जो कोकोकोला कंपनी तयार करते त्यांनी तो दिलेला आहे, त्याचप्रमाणे त्यांचा मानस आहे। अनेक वेळा त्यांनी NGO गाठून रस्त्याने जाणारे पायी पैदल चालणारे मजूर कामगार वर्ग अनेक वस्तीमध्ये ते असे वितरित करत असतात, त्यामध्ये त्यांना कंपनीचं सहकार्य आहे आणि त्यांची ही मानवतावादी दृष्टिकोनातून त्यांची जी सेवा आहे ती चालू आहे आणि मी त्यांचं अभिनंदन करतो। त्यांना पुन्हा अशाच गोष्टी करण्यासाठी त्यांना सामर्थ्य देऊ असं म्हणून असं आमचं शुभचिंतन आहे। जय हिंद।